हाथरस केस में इंटेलिजेंस एजेंसियों ने एक बड़ा खुलासा किया। एजेंसियों के हाथ जो सबूत लगे हैं उसके मुताबिक इस केस में प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने की साजिश करी गई थी। एजेंसियों को यह भी सबूत मिले हैं कि हाल के दिनों में भारत से अपना बोरिया बिस्तर समेट चुकी एमनेस्टी इंटरनेशनल और इस्लामिक देश इसके लिए फंडिंग कर रहे थे। दरअसल आधुनिक युद्ध के तरीकों में यह सबसे मुख्य है, जिसे डिफेंस स्टडीज की भाषा में फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर कहा जाता है। अर्थात दुश्मन देश किसी देश की आंतरिक समस्या को बढ़ाने के लिए वहां पैसा और आयुध उपलब्ध कराता है, जिससे वहां अशांति पैदा होती है और अराजकता पैदा होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। साजिश में PFI समेत कुछ और संगठनों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है। ऐसी ही फर्जी पोस्ट वायरल कर पीड़ित की जीव काटने, अंग भंग करने और सामूहिक दुष्कर्म से जुड़ी तमाम अफवाहें उड़ाकर प्रदेश में नफरत फैलाने की कोशिश की गई। वेबसाइट पर स्क्रीनशॉट में ब्रेकिंग न्यूज लिखकर मुख्यमंत्री की फोटो के साथ बाकायदा उनका फर्जी बयान जारी किया गया। ये स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप समेत अन्य सोशल मीडिया के अकाउंट्स पर शनिवार को तेजी से वायरल किए गए। ADG कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI समेत कुछ अन्य संगठन प्रदेश में माहौल बिगाड़ने की लगातार साजिश कर रहे हैं। इस मामले में उनकी भूमिका की गहनता से जांच की जा रही है। इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक पीड़िता की मौत के बाद अचानक से जस्टिस फॉर हाथरस वेबसाइट सुर्खियों में आ गई। देखते ही देखते हजारों लोग इससे जुड़ गए। खास बात यह है कि जितने भी लोगों को इस वेबसाइट से जोड़ा गया वो सब ID फर्जी निकली है। जांच एजेंसियों के हाथ वेबसाइट की डिटेल से जुड़ी पुख्ता जानकारी लगी है। अमेरिका में हुए दंगों की तर्ज पर ही यूपी की घटना को लेकर देश भर में जातीय दंगे कराने की तैयारी थी। बहुसंख्यक समाज में फूट डालने के लिए मुस्लिम देशों और इस्लामिक कट्टरपंथी संगठनों से पैसा आया था। CAA हिंसा में शामिल उपद्रवियों और राष्ट्रद्रोही तत्वों ने योगी से बदला लेने के लिए यह वेबसाइट बनाई थी। वेबसाइट पर विरोध प्रदर्शन की आड़ में देश और प्रदेश में जातीय दंगे कराने और दंगों के बाद बचने का तरीका बताया जा रहा था। इतना ही नहीं, अफवाहें फैलाने के लिए मीडिया और सोशल मीडिया के दुरुपयोग की भी अहम सुराग मिले हैं। वेबसाइट में यह भी बताया गया था कि चेहरे पर मास्क लगाकर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को विरोध प्रदर्शन की आड़ में कैसे निशाना बनाया जा सकता है। बहुसंख्यकों में फूट डालने और प्रदेश में नफरत का बीज बोने के लिए वेबसाइट पर तरह तरह की तरकीबें बताई जा रही थी। वेबसाइट पर बेहद आपत्तिजनक कंटेंट मिले हैं। दंगे को इस वेबसाइट के वॉलंटियरों की मदद से हेट स्पीच और भड़काऊ सियासत की भी स्क्रिप्ट तैयार की गई थी। जांच में सामने आया है कि PFI और SDPI ने इस वेबसाइट को तैयार करने में मदद की है। रविवार की देर रात जैसे ही छापेमारी शुरू हुई थी, रात को ही यह वेबसाइट बंद हो गई। मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए फेक न्यूज, फोटोशॉप तस्वीरें, अफवाहों, एडिटेड विजुअल्स का दंगे भड़काने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसी साजिश को लेकर लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में FIR दर्ज की गई है। भारत में मौजूद ऐसे आरोपियों की तलाश जारी है। साइबर सेल की टीम को जांच में भी लगाया गया है। आप देख रहे थे TFP न्यूज। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक कीजिए। सभी खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट thefourthpillar.in को विजिट कीजिए, और बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए TFP न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।